अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नेरुल के प्रभाग 88 में कोरोना की मास स्क्रीनिंग, नगर सेविका शिल्पा कामली की मांग पर मनपा ने कराई जांच। नेरुल के प्रभाग क्रमांक 88 में बुधवार को कोरोना की सामूहिक मास स्क्रीनिंग की गई। मनपा का यह कोविड जांच शिविर स्थानीय नगर सेविका शिल्पा कामली और भाजपा नेता सुरेश शेट्टी की पहल पर नेरुल के साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसमें 200 से अधिक नागरिकों ने कोरोना की जांच कराई। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक सुरेश शेट्टी ने कहा कि नवम्बर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए मास स्क्रीनिंग करवाई जा रही है ताकि संक्रमण रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विधायक गणेश नाइक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। आज हम लोग मास स्क्रीनिंग का जो अरेंजमेंट किया नगर पालिका तरफ से, मैं माजी नगर से सुरेश शेट्टी और जो स्थानीय नगर से शिल्पा कामले दोनों मिलकर नगर पालिका से डिमांड किया, ऐसे से हमारे वार्ड में मास स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि नवम्बर में दिन से दिन अभी केस बढ़ रहा है। तो अभी इसको मास स्क्रीनिंग एक ही व्यवस्था है, घर घर का जो पब्लिक को स्क्रीनिंग करके दवा इनको विटामिन देना है बोल के। तो आदरणीय जो गणेश जी नायक साहब का जो आशीर्वाद से हम लोग ये जो काम अपना वार्ड में साईं बाबा मंदिर में आज लिया, पब्लिक बहुत उत्सुक से भाग लिया, कम से कम जास्ती पब्लिक ने अपना जो इधर टेस्टिंग करे के इम्यूनिटी पावर का टैबलेट सब ले लिया, मेरे ख्याल से अपना वार्ड में और भी सुरक्षित हो जाए बोल के मेरे को लगता है। जो भी यहाँ पे जो मास स्क्रीनिंग का प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने एक काम किया, जो सिम्टोमेटिक अनसिम्टोमेटिक, मतलब जो आदमी लोग के मन में जो डर रहता है कि वो मुझे प्रॉब्लम से या मैं बाहर ना निकलूँ या मुझे फीवर आ गया तो मुझे कोरोना है, बराबर है, तो ये नहीं है। ऑलमोस्ट 3 सिम्टम्स चाहिए, एक तो फीवर चाहिए, एक गले में थ्रोट चाहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम से क्रिएट हो रहे उनके ऊपर हम लोग नगर पालिके से आपको दवाई दिए जा रहे हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स टीम है ऑल ऑफ जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं वो तैरना के है। अभी यहाँ पे हमने जो भी सब पेशेंट्स देखे हैं और ऐसा देखे, तो इसमें सब में खाली ऐसा डर है कि थोड़ी भी सर्दी या खांसी या बुखार हो तो कोरोना हो जाता है, पर अभी ये मौसम भी ऐसा है, बारिश का भी टाइम है, तो ऐसा नॉर्मल वायरल फीवर भी चलता रहता है। इसके लिए स्टार्ट में अपन जो नॉर्मल दवा देते उससे अगर ट्रीट ना हुआ तो फिर अगर उसको फिर भी वो चीज़ चली जा रही है तो फिर एक सस्पेक्ट बन जाता है। अपने यहाँ पे सबका रिकॉर्ड नंबर भी लिए है, सब कुछ एड्रेस सब कुछ लेके रखे, तो अगर कुछ बाद में स्क्रीनिंग के लिए भी अभी हेल्प चाहिए रहेगी तो हम उससे रिफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर कोई सस्पेक्ट रहा जो हमें लगे कि ज़्यादा सस्पेक्टेड है, जिसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के बाद कम आता है, तो हम उसको एम्बुलेंस के थ्रू स्वैब उसका चेक करते हैं, उसका स्वैब लेने के लिए भेजते हैं। बता दें कि इस वक्त मुंबई के सभी क्षेत्रों में मास स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि पिछले कई दिनों से यहां कोरोना के नए मरीज मिलने की रफ्तार कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।